हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन डिश जो है चीज़ी लज़ानिया, जिसे हम अपने घर में पैन में बनाएंगे विथआउट माइक्रोवेव। लज़ानिया बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे पास्ता शीट, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून और वाटर, जिसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इस मेजरमेंट से हम 3 लज़ानिया शीट्स बनाएंगे। आधा घंटा डो को रखने के बाद इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लें और इसकी पतली पतली रोटीज बेल लें, जिसका साइज़ आपके पैन के अकॉर्डिंग हो, और रोटीज़ को बेलने के बाद इसे 1/2 आवर सूखने के लिए रख दें। सुखाना बहुत ज़रूरी है। ये ड्राई करने के लिए हम न्यूज़पेपर या रैक पर ड्राई कर सकते हैं। जब तक हमारी पास्ता शीट्स ड्राई हो रही है, तब तक हम बनाएंगे वाइट सॉस। उसके लिए 1 टेबलस्पून बटर को मेल्ट करें, उसमें 1 टेबलस्पून व्हीट फ्लावर यानी हमारा नॉर्मल गेहूं का आटा रोस्ट करें। जब ये रोस्ट हो जाए, तब इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फिर इसे थोड़ा स्पीड में मिक्स कर लें, जिससे इसमें लम्प्स ना रहें। थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाएगा, तब इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून ऑरिगेनो। अब हम रेडी करेंगे हमारी वेजिटेबल लेयर। उसके लिए 1 टेबलस्पून बटर में 2 टेबलस्पून गार्लिक रोस्ट करें, फिर 1 टीस्पून ऑरिगेनो एंड 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स को भी रोस्ट करें। इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से जो चाहे वो ले सकते हैं। मैंने इसमें कैप्सिकम, अनियंस, कॉर्न, पटेटोस, बीन्स लिए हैं। जब वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपर पाउडर। आप इसमें स्पिनच, कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स रोस्ट होने के बाद हम लज़ानिया की शीट्स, हमारी जो ड्राई हो गई है पास्ता शीट्स, उन्हें तवे पे हल्का सेक लेंगे, बिना घी या ऑयल या बटर के। सिर्फ ऐसे ही हमें शीट्स को सेकना है। अब लज़ानिया असेंबल करने के लिए एक पैन गरम करके उसमें रेड सॉस, उसके बाद में हमारी एक पास्ता शीट हम रखेंगे, उस पर हम वापस रेड सॉस लगाएंगे। मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ किया है, थोड़ा सा थिन करके। उसके ऊपर हमारा जो वाइट सॉस हमने रेडी किया था, उसका लेयर लगाएं। इस टाइम पे पैन को गैस बंद कर दें। फिर इसके ऊपर हमने लगाई है हमारी वेजिटेबल लेयर्स। वेजिटेबल लेयर अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे पनीर क्यूब्स और चीज़। पनीर ऑप्शनल है, चीज़ ग्रेट किया हुआ डाल दें। इसी तरह दूसरी पास्ता शीट लगाएं, उस पर भी सेम ही प्रोसेस रिपीट करें। पहले रेड सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दें, उसके बाद में हम डालेंगे वापस एक लेयर आएगी वाइट सॉस। ये पास्ता शीट्स को हमने हल्का सा सेक लिया था, इस वजह से इसमें रॉ टेस्ट नहीं आता है, ये अच्छी क्रिस्पी ही बनती हैं। फिर इस पे वेजिटेबल लेयर्स, फिर वापस पनीर क्यूब और चीज़ ग्रेट किया हुआ, और इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी थर्ड पास्ता शीट। इस पे हमें सिर्फ रेड सॉस अच्छे से स्प्रेड करेंगे, इवनली स्प्रेड होना चाहिए। उसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे, और इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे चीज़ और स्प्रिंकल करें थोड़ा ऑरिगेनो, और फिर पैन को कवर करके एकदम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक बेक करें, और रेडी हो जाएगा हमारा यम्मी एंड डिलीशियस लज़ानिया घर में विथआउट माइक्रोवेव इन आवर पैन इन अ वेरी इजी वे।